Hello friends, I am Sanjay Gupta. So welcome back on Sanjay Gupta Tech School. So this is lecture number 3. So lecture number 3 से पहले जो lecture number 2 मैंने record किया था, तो lecture number 2 में मैंने explain किए थे कुछ examples related to C language and उसके साथ मैंने comments और printf और scanf को use करना बताया था. अब हम lecture number 3 में देखेंगे data types क्या होता है. तो पहले डेटा टाइप को समझते हैं, देन मैं उसको एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन करूंगा. सो बेसिकली डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू डिफाइन टाइप ऑफ वेरिएबल. तो मैंने जैसा मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए या कुछ भी इनपुट यूजर से रिसीव करना है उसके लिए हमें कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होते हैं और वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमें डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट होती है. तो अगर आपको ध्यान हो तो हमने दो डेटा टाइप यूज किए थे, इंट और फ्लोट, जिसके लिए हमने परसेंट डी और परसेंट एफ फॉर्मेट स्पेसिफाई को यूज किया था. तो बिना डेटा टाइप के आप कभी भी वेरिएबल्स सी लैंग्वेज में डिफाइन नहीं कर सकते. देन आगे लिखा है देर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स. तो डेटा टाइप की अगर हम कैटेगरी बनाए तो दो तरह के डेटा टाइप्स अवेलेबल है. पहला है प्राइमरी और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जिसमें कि इंट, फ्लोट, कैर एंड वॉइड, ये चार डेटा टाइप आते हैं. एंड दूसरी है सेकेंडरी और डिराइव डेटा टाइप, जिसमें एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, ये सब डेटा टाइप्स आते हैं. ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको प्राइमरी और प्रिमिटिव डेटा टाइप से फैमिलियर करवाऊंगा. तो पहले हम एक टेबल देखते हैं. इस टेबल की हेल्प से आपको ये समझ में आएगा कि प्रिमिटिव और प्राइमरी डेटा टाइप्स बेसिकली कौन कौन से होते हैं, उनको कितना मेमोरी स्पेस मिलता है, उनकी रेंज क्या होती है और उनका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है. तो जो लास्ट कॉलम है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर ही मालूम नहीं है तो आप किसी भी डेटा टाइप को प्रिंटएफ स्कैनएफ में, सॉरी, किसी भी डेटा टाइप से रिलेटेड वेरिएबल्स को प्रिंटएफ और स्कैनएफ में प्रॉपरली यूज नहीं कर पाएंगे. तो यहाँ आप देख सकते हैं पहला डेटा टाइप है इंट, उसका मेमोरी स्पेस है 2 byte. 2 byte को अगर हम फर्दर कन्वर्ट करें तो ये होगा 16 bits. ये उसका रेंज है -2 raised n-1 से लेकर +2 raised n-1 -1. और यहाँ पर n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ बिट्स को. और अगर इंटीजर डेटा टाइप का कोई वेरिएबल आप डिक्लेयर करेंगे तो आपको परसेंट डी एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना पड़ेगा. अब अगर हम ये रेंज कैलकुलेट करें तो नेगेटिव और पॉजिटिव में एक नंबर आपके पास निकल कर आएगा. तो आप नेगेटिव रेंज में उस पर्टिकुलर नंबर से छोटी वैल्यू और पॉजिटिव रेंज में उस नंबर से बड़ी वैल्यू इंट डेटा टाइप में स्टोर नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो अगर आपको एक पर्टिकुलर रेंज से बड़ी या छोटी वैल्यू को स्टोर करना है तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट डेटा टाइप यूज करेंगे, दैट इज लॉन्ग इंट. तो अगर 2 byte में कोई पर्टिकुलर नंबर प्रॉपरली स्टोर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हर नंबर बाइनरी में कन्वर्ट होगा और बाइनरी में कुछ पर्टिकुलर बिट्स होंगी, तो अगर कोई नंबर 16 बिट में इजीली अरेंज हो पाता है तब तो वो इन टाइप के वेरिएबल में स्टोर हो पाएगा. बट अगर किसी नंबर का बाइनरी कन्वर्जन 16 बिट से ज्यादा है तो आपको लॉन्ग इन टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जिसको कि 4 byte एलोकेट होते हैं और 32 bits वो आपको प्रोवाइड करेगा. तो आप अपनी रेंज एक्सीड कर सकते हैं. बट आपको ध्यान रखना है कि जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो आप हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, %LD. ठीक है, देन फर्दर इंट में ही दो और कैटेगरी होती है, अनसाइंड इंट और अनसाइंड लॉन्ग इंट. तो अगर आपको पहले से मालूम है कि आप हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही स्टोर करेंगे, आप कभी भी नेगेटिव नंबर स्टोर नहीं करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इंट के प्लेस पर अनसाइंड इंट और लॉन्ग इंट के प्लेस पर अनसाइंड लॉन्ग इंट डेटा टाइप यूज कर सकते हैं. तो इनका साइज सेम रहेगा बट रेंज में फर्क आ जाएगा. तो ऊपर आपने देखा रेंज है प्लस की 2 raised n-1 -1, जबकि यहाँ पर रेंज है 2 raised n and then -1. तो जो पावर है उसमें n माइनस वन नहीं है, इट मीन्स एक बिट आपको ज्यादा यहाँ पर मिल रहा है, तो उसकी वजह से आपकी रेंज एक्सीड हो जाती है. तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर स्टोर करने हैं तो आप इंट के प्लेस पर लॉन्ग इंट को प्रेफर, सॉरी, इंट के प्लेस पर अनसाइंड इंट को प्रेफर कर सकते हैं और लॉन्ग एंड के प्लेस पर अनसाइंड लॉन्ग एंड को प्रेफर कर सकते हैं. और लास्ट कॉलम में इनके फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे. देन फर्दर कैरेक्टर, जिसको 1 byte मिलता है,
तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, जिसको सिंगल कोट्स में इंक्लोज करना होता है, तो आज मैं उसके एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगा। तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफाई परसेंट सी होगा, टोटल 256 कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हम कैरेक्टर वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, और उसको 1 byte की रिक्वायरमेंट होती है। देन फ्लोट, जिसमें पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करेंगे, 4 byte, डबल में भी पॉइंट वाली वैल्यू आएगी बट इसका साइज और रेंज ज्यादा है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। फॉर्मेट स्पेसिफायर फ्लोट का परसेंट एफ, जो कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, एंड डबल का परसेंट एल एफ, एंड थर्ड इज लॉन्ग डबल, जिसका साइज होता है 10 bytes, रेंज सामने लिखा हुआ है, एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट एल एफ, एंड लास्ट वन इज void, जिसको कि कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। बट इसका यूज क्या होता है कि जब कोई भी फंक्शन हम डिफाइन करेंगे और फंक्शन एक पर्टिकुलर टाइप की वैल्यू को एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में ट्रांसफर कर सकता है, तो अगर आपको एक फंक्शन से वैल्यू दूसरे फंक्शन में ट्रांसफर करना है तब तो आप इंट, लॉन्ग इंट या कैर, फ्लोट, डबल यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको वैल्यू एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में ट्रांसफर नहीं करना है तो आप क्या यूज करेंगे? void। तो void का अभी कोई एग्जांपल हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप फंक्शन वाला वीडियो देखेंगे कि हम फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि हम void कैसे यूज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इंट, फ्लोट, कैर, इन सबके रियल टाइम एग्जांपल्स आपको बताऊंगा, ताकि हम इनसे रिलेटेड कॉन्स्टेंट्स को भी यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले एक हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, जो कि हम हर प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं, दैट इज stdio.h। तो अब आपको याद होगा कि stdio.h हेडर फाइल क्यों इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हमें printf और scanf को यूज करना है। उसके बाद मेन फंक्शन, अब देखो इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाते हैं a, एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाते हैं b, और एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाते हैं c। तो अभी जो एग्जांपल ले रहा हूं उसमें मैं खुद से वैल्यू स्टोर करूंगा और सिर्फ प्रिंट करके बताऊंगा। उसके बाद हम इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करेंगे, जिसमें वैल्यू यूजर इनपुट करेगा और फिर हम उसको प्रिंट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल ए में 5, बी में 2.5 और सी में मैंने स्टोर किया कैपिटल ए। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये है कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, तो कैरेक्टर कॉन्स्टेंट को हमेशा हमें सिंगल कोट्स में इनक्लोज करना होता है, तो इसीलिए मैंने कैपिटल ए को क्या लिखा है, सिंगल कोट्स देन कैपिटल ए। तो इट मींस ये जो कैपिटल ए है ये अभी एक कैरेक्टर है, और इसको स्टोर करने के लिए जो सी वेरिएबल बनाया है वो किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप। ठीक है, तो जब भी आपको एक कैरेक्टर स्टोर करना है तो आप कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर है, मान लो मुझे अपना नेम स्टोर करना है, तो उसके लिए हमें कैरेक्टर टाइप का एक कलेक्शन बनाना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं कैरेक्टर एरे। तो जैसे मुझे अपना नेम स्टोर करना है तो मैंने ये डिक्लेयर किया, अब मैंने अपना नेम लिख दिया डबल कोट्स में संजय। तो ये बेसिकली होता है स्ट्रिंग, ये बेसिकली होता है स्ट्रिंग। तो पहले एग्जांपल की हम बात करें तो मैंने यहां पर इंटीजर स्टोर किया। अब देखो मैं फिर से कमेंट यूज कर रहा हूं, तो यहां पर आपको कमेंट का बहुत अच्छा यूज समझ में आ जाएगा कि मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन हर लाइन के बारे में लिख रहा हूं, तो मैं उसको कमेंट करके मेंशन कर रहा हूं। तो देखो फर्स्ट जो लाइन है, लाइन नंबर 4, उसमें मैंने इंटीजर वैल्यू असाइन की है। सेकंड जो है फ्लोट वाली, उसमें मैंने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू असाइन की है। थर्ड है कैरेक्टर, जिसमें मैंने कैरेक्टर वैल्यू असाइन की है सिंगल कोट्स के अंदर। और फोर्थ है जिसमें डबल कोट्स में एक से ज्यादा कैरेक्टर्स हैं, वो है स्ट्रिंग वैल्यू। अब हम देखेंगे कि इन सबको प्रिंटएफ के थ्रू हम कैसे प्रिंट करवाते हैं। तो अब देखो प्रिंटएफ, अब आपको प्रिंटएफ का मीनिंग तो समझ में आ गया, कुछ भी डिस्प्ले करना है तो हमेशा प्रिंटएफ यूज करेंगे। बैकस्लैश एन क्यों लिखा, ताकि हमें अपना आउटपुट हमेशा न्यू लाइन में प्रिंट करना हो। तो मुझे इंटीजर वैल्यू प्रिंट कराना है, तो मैंने लिखा इंटीजर वैल्यू इक्वल्स टू परसेंट डी एंड ए। अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे परसेंट डी क्यों लिखा, क्योंकि ए किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का, तो इंटीजर टाइप के वेरिएबल के लिए हमेशा आपको परसेंट डी यूज करना पड़ेगा। और ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा है ये एज इट इज स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, तो ये जो टेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा है आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है,
अब इसको कॉपी कर लेते हैं और इसी को पेस्ट करके मॉडिफाई करते हैं हर बार। तो अब मैं इंटीजर के प्लेस पर लिख देता हूँ फ्लोट वैल्यू, तो फ्लोट में परसेंट एफ आएगा और वेरिएबल का नाम है बी, तो हमने बी लिखा, फिर से पेस्ट किया कैरेक्टर वैल्यू, तो कैरेक्टर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हमें यूज करना है परसेंट सी, वेरिएबल का नाम है परसेंट, सॉरी वेरिएबल का नाम है सी, इसलिए कॉमा के बाद उसको लिखा। एंड लास्टली हमें प्रिंट करना है स्ट्रिंग, तो देखो स्ट्रिंग के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे वो होगा परसेंट एस, जो उस टेबल में नहीं था, क्योंकि कैरेक्टर के लिए तो हम परसेंट सी यूज कर रहे हैं, वो टेबल में था, बट कैरेक्टर्स का कलेक्शन बनाने के लिए हमने उसको मॉडिफाई किया, तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंट एस, और यहाँ वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा नेम। तो इस तरीके से मैंने आपको चारों एग्जाम्पल बताए जिसमें इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और स्ट्रिंग चारों तरह के कॉन्स्टेंट भी यूज किए, चारों तरह के वेरिएबल भी बनाए और अलग अलग डेटा टाइप्स भी यूज किए। अब इसको सेव करते हैं, देन कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप यहां देख सकते हो कि जो इंटीजर वैल्यू है वो प्रिंट हुआ, फ्लोट वैल्यू प्रिंट हुआ, कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट हुआ और स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट हुआ। तो इस तरीके से ये जो प्रोग्राम है ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो देखो डेटा टाइप मैंने आपको बताया, मैंने उसका एग्जांपल भी बताया, अब हम देखते हैं कि ये जो एग्जांपल मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पर तो वैल्यू मैंने खुद से असाइन कर दी थी, बट हम चाहें तो वैल्यूज को यूजर से भी इनपुट करवा सकते। तो चारों वेरिएबल ए, बी, सी और नेम, इन चारों वेरिएबल्स की वैल्यू आप यूजर से इनपुट करवा सकते हैं और फिर उनको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये चार जो स्टेटमेंट है इनको इनके बाद इनको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मैंने इनिशियली ये सारी वैल्यूज यहाँ पे असाइन की हुई है, बट अब हम प्रिंटएफ स्कैनएफ यूज करेंगे। तो प्रिंटएफ और स्कैनएफ में क्या होगा कि ये जो वैल्यूज हैं ये ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएंगी, जो हम स्कैनएफ में इनपुट करेंगे वो प्रिंट होगा। तो अब उसको भी जस्टिफाई कर लेते हैं। तो अब देखो पहले ये प्रिंट हुआ, तो पहले हमने ये वैल्यू असाइन की और उनको प्रिंट करा दिया। अब मैं यूजर से इनपुट करके इन वैल्यूज को रिप्लेस करूंगा और फिर से प्रिंट करा दूंगा। तो अब मैंने लिखा प्रिंट एफ बैक स्लैश एन एंटर एन इंटीजर, फिर लिखा स्कैन एफ परसेंट डी एम परसेंट ए। तो ए इंटीजर टाइप वेरिएबल है इसलिए हमने यहाँ परसेंट डी लिखा। अब हमें फ्लोट रीड करना है, तो स्कैनएफ में परसेंट एफ आ जाएगा और वेरिएबल हो जाएगा एम परसेंट बी। तो आप लिखोगे प्रिंट एफ बैक स्लैश एन एंटर एन एंटर अ फ्लोट वैल्यू स्कैनएफ परसेंट डी एम परसेंट बी सॉरी परसेंट एफ एन परसेंट बी, फिर से प्रिंट एफ लिखा, एंटर अ कैरेक्टर वैल्यू। तो जब आप कैरेक्टर वैल्यू एंटर करेंगे तो आपको एक सिंगल कैरेक्टर टाइप करना है और फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट सी एंड वैल्यू स्टोर हो जाएगी सी वेरिएबल में। फिर मैंने लिखा एंटर अ स्ट्रिंग स्कैनएफ परसेंट एस कॉमा। अब देखो यहाँ पर एम परसेंट लगाने की जरूरत नहीं है। जब भी आप स्ट्रिंग यूज करेंगे या स्ट्रिंग को रीड करेंगे तो आप बिना एम परसेंट के वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। और अब हमें इनको प्रिंट कराना है, तो मैं ये चारों एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ और उनको यहाँ पर पेस्ट कर। तो अब होगा क्या, ये जो वैल्यूज हमने शुरू में असाइन की है वो इन प्रिंट एफ के थ्रू प्रिंट हो जाएंगी। उसके बाद हम यूजर से सेम वेरिएबल में नई वैल्यू रीड कर रहे हैं, तो होगा क्या, पुरानी वैल्यू रिप्लेस हो जाएंगी और जो वैल्यू आप इनपुट करेंगे वो अब यहाँ पर प्रिंट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स को रीयूज भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा, तो आप देख सकते हो कि जो वैल्यूज हमने असाइन की थी वो प्रिंट हो गई और ये अब नई वैल्यू भी आपसे मांग रहा है। तो अब मैं डाल रहा हूँ 10 5.5 फ्लोट। अब देखो कैरेक्टर यहाँ पर मिस हो गया और इसने स्ट्रिंग मांगा है, तो अब उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो पहले लेट से मैंने यहाँ पे टाइप किया एबीसी, तो अब देखो इंटीजर वैल्यू प्रिंट हो गई 10, फ्लोट वैल्यू प्रिंट हो गई 5.5
कैरेक्टर प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हम इनपुट नहीं कर पाए, और स्ट्रिंग प्रिंट हुआ एबीसी जो हमने इनपुट किया। तो अब बेसिकली क्या हुआ कि जब हमने यहाँ पर कैरेक्टर इनपुट करवाना चाहा तो हमने उससे पहले एक बार एंटर प्रेस किया, तो इसने एंटर को क्या मान लिया, कैरेक्टर। तब उस चीज को अवॉइड करने के लिए आप यहां पर यूज करो गेट कर, ठीक है, एक वेरिएबल बना दो ch। अब ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि जब हम कैरेक्टर के बाद कुछ और इनपुट करवाते हैं तो वो प्रॉपरली रीड नहीं होता है, तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आप एक फंक्शन यूज करो गेट कर, जो कि जो आप एंटर प्रेस करेंगे उसको रीड करके इसमें स्टोर करा देगा और फर्दर आप कैरेक्टर वैल्यू रीड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि एक तरीके से हमने यहाँ पर एक जुगाड़ किया है ताकि हम कैरेक्टर वैल्यूज को रीड करने के बाद जो स्ट्रिंग है उसको रीड कर पाए। तो मैं इसको यहां पर भी लिख रहा हूं और यहां पर भी लिख रहा हूं। अब देखते हैं, तो ये एज इट इज प्रिंट हुआ। अब मैंने डाला 10, फ्लोट वैल्यू मैंने डाली 5.5। अब देखो कैरेक्टर रीड करेगा तो मैंने डाला कैपिटल बी और मैंने स्ट्रिंग में डाल दिया प्रोग्राम। तो आप देख सकते हो इंटीजर वैल्यू प्रिंट हुआ 10, देन 5.5 प्रिंट हो गया, देन प्रोग्राम प्रिंट, सॉरी बी प्रिंट हुआ एंड देन प्रोग्राम। तो इस तरीके से जो वैल्यू हमने स्टार्टिंग में इनिशियलाइज की थी, जो हमने खुद से असाइन की थी, वो भी प्रिंट हो गई, और फिर जो वैल्यू हमने यूजर से इनपुट करवाई वो भी प्रिंट हो गई। तो इस तरीके से मैंने आपको जो डेटा टाइप्स है उनका यूज बताया। अब आप लॉन्ग इंट, अनसाइंड इंट, अनसाइंड लॉन्ग इंट, डबल और लॉन्ग डबल को खुद से यूज कर सकते हैं। आपको सिंपली इंट की जगह लॉन्ग इंट यूज करना है और उसका स्कैनएफ और प्रिंटएफ में फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो पता चला होगा, उनकी रेंज, उनका मेमोरी स्पेस, उनके फॉर्मेट स्पेसिफायर पता चल गए, और प्रैक्टिकली डेटा टाइप, वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट, इन तीनों को एक साथ कैसे यूज करते हैं वो समझ में आया होगा, और प्रिंटएफ और स्कैनएफ को हम और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए। तो आई होप कि आपको जो लेक्चर नंबर 3 है वो प्रॉपरली समझ में आया। अब ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेनी है या कोई भी डाउट डिस्कस करना है और आप बिगिनर हैं तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, इनको यूज़ करिए, मुझसे कम्युनिकेट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और अगर ये लेक्चर समझ में आया और आप और भी वीडियोज इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन हिंदी वीडियो सीरीज के देखना चाहते हैं तो मेरा जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड किया हुआ है, तो वहां से आप उस पूरी प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।